हाय फ्रेंड्स, मैंने अमेज़ॉन से कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, तो चलिए देखते हैं। कुछ इस तरीके से आई है ये बबल रैप। मैंने एक नेकपीस, लेयर्ड नेकपीस ऑर्डर किया था। इस ज्वेलरी का ब्रांड सुखी है। मैंने इसके पहले भी एक सुखी का एक नेक पीस ऑर्डर किया था, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो एक ब्राइडल नेक पीस था, कुछ इस तरीके का दिखता है सेट। ये पीकॉक वाला नेक पीस है, इसमें कुंदन और बीडेड वर्क वाले पीकॉक बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पीकॉक में से कुछ इसके बीड्स गिर गए हैं और इसमें से भी कुछ बीड्स गिरे हुए हैं, बट इसके कुंदन इंटैक्ट हैं। और इसकी जो चेन है और जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बट एक ही इसकी कमी है कि इसमें जो बीड्स हैं वो निकल गए हैं, जबकि इसकी इयररिंग्स के एक भी बीड्स नहीं निकले हुए हैं। और काफ़ी सफाई से भी बना हुआ है ये। ये काफ़ी अच्छा सेट है वेडिंग वगैरह के लिए, इसे गर्ल और वुमेन सभी वेयर कर सकते हैं। ये इतना लॉन्ग है और कुछ इस तरीके का देखेगा ये पहनने के बाद। इसके जो नीचे की 3 लेयर्स हैं वो नीचे आएंगी और ये पिकॉक 2 साइड में आएंगे। ये आजकल इस तरीके के न्यू नेक पीसेस बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 250 रुपीज़ अप्रॉक्स, और ही कम का पड़ा है। मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी आपको। बैक से कुछ इस तरीके का दिखता है ये। दूर से देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और पास से भी अच्छा है, बट सिर्फ कुछ बीड्स इसके गिर गए हैं। आप चाहें तो इसके बीड्स इसमें इसकी पॉलिथिन में थे, आप उसे निकाल के फैब्रिक ग्लू वगैरह से आप इसको लगा सकते हैं। ईयरिंग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट ईयरिंग्स मुझे ऐसा लगता है कि फेस पे थोड़ी से बड़े लगते हैं सेट के हिसाब से, क्योंकि सेट काफ़ी ही छोटा है एक तरीके से देखा जाए तो। इसके हिसाब से इसके जो ईयरिंग्स हैं वो थोड़ी से बड़े हैं, बट आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी बजट फ्रेंडली है ये। और वैसे मैंने देखा है कि सुखी की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी होती है। सारी इमेजेस में इसकी क्लोजअप्स और इसकी पहनी हुई इमेज मैं एंडिंग में आपको बता दूंगी, और इसकी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू।